गाइस आज हम देखेंगे कि जो धन ऐप है सो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है किसी स्टॉक में, शेयर्स में, सो आप किस प्रकार से कर सकते हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम धन ऐप को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अभी गाइस इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मनी सेक्शन में आना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी फंड रहता है सो ऐड कर लेना है अपने हिसाब से कि आपको कितने रुपीज़ का इन्वेस्टिंग करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये ऐड कर लिया है। अभी गाइस यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना है सो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आपको जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है सो यहाँ पे आपको उसको सर्च कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है सो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा एंड गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको सर्च करके रखा हुआ है सो इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उससे पूरा डिटेल्स उस स्टॉक का आ जाएगा। जैसे अभी इसका करंट प्राइस कितना चालू है सो यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है यहाँ पे, डिलीवरीज में क्या है आपका यहाँ पे, सो अपने हिसाब से आप पूरा चेक कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड गाइस कभी भी कोई भी टिप्स देता है, कॉल्स देता है सो उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको हमेशा खुद से रिसर्च करना है एंड उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मार्केट में नीचे देखने को मिलेगा कि इसमें कितना बाइंग हो रहा है और कितना सेलिंग हो रहा है, सो फुल यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी गाइस बाय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है एंड जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे गाइस यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना है सो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मान लीजिए ट्रेडिंग सेलेक्ट है सो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग रहता है आपका, इंट्राडे सेम डे आपको जो भी पोजीशन रहता है उसको स्क्वायर अप करना पड़ता है एंड इन्वेस्टिंग होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, सो इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा सो आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है सो यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे मुझे यहाँ पे 48 क्वांटिटी बाय करना है सो यहाँ पे मैं 48 एंटर करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी प्राइस रहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है सो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मुझे 53,172 रुपये लगने वाला है इतना शेयर्स बाय करने के लिए। अभी गाइस यहाँ पे आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेगा जिसमें आपका मार्केट रहता है, लिमिट रहता है सो आप चाहो तो पे मार्केट पर भी बाय कर सकते हो। मार्केट पर क्या होता है कि जो भी इसका करंट प्राइस चालू रहता है उसी पर बाय हो जाता है। और बाकी गाइस अगर आप लिमिट लगा के बाय करोगे सो फिर यहाँ पे आपको लिमिट सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे लिमिट प्राइस रहेगा उसी पे बाय होगा। जैसे यहाँ पे आप, मैं लिमिट डाल देता हूँ 1107.75 पैसे एंड अभी यहाँ पे आप देखो 1107.85 वगैरह चालू है एंड यहाँ पे जैसे मैं इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे हमारा एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। अभी जैसे इस स्टॉक का 1107.75 पैसे आएगा तब जाके यहाँ पे हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा सो यहाँ पे आपको आ जाना है ऑर्डर्स में एंड जैसे आप ऑर्डर्स में आके देखोगे सो यहाँ पे आपको पेंडिंग में देखने को मिलेगा क्योंकि गाइस इस स्टॉक का प्राइस पहुँच गया अभी 1108 पॉइंट। और ओके सो गाइस यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी आपको यहाँ पे पोजीशन में देखने को मिलेगा बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने डिलीवरी में बाय किया है सो देख सकते हो यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ आ गया है यानी जो भी स्टॉक है यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट में आ गया है सक्सेसफुली। अभी आपको कुछ भी करना नहीं है, अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे जो भी स्टॉक है यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्टॉक वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। सो पूरे यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह कितना हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको करंट वैल्यू देखने को मिलेगा। और बाकी गाइस अभी यहाँ पे आप मनी वाले सेक्शन में आके देखोगे सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका कितना अवेलेबल बचा हुआ है और बाकी गाइस यहाँ पे आपको मार्जिन में देखने को मिलेगा फुल डिटेल्स में। सो मार्जिन यहाँ पे आप देखोगे हमारा यूज हुआ है 53,187 रुपये। सो इतना यहाँ पे हमारा इतने के शेयर्स हमने बाय कर लिए सक्सेसफुली। गाइस आप इसी तरीके से धन ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही ईजिली एंड बाकी गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।